नमस्कार, मैं हूं अभिषेक कुमार। आप देख रहे हैं मी मीडिया न्यूज और वक्त हो गया है दिन भर के सभी बड़ी खबरों का। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और 3 बार लोकसभा सांसद शशि थरूर ने लोकसभा चुनाव के लिए लगातार 4थी बार तिरुवंतपुरम निर्वाचन क्षेत्र से अपना नामांकन दाखिल किया। थरूर ने विधायक एम विसेंट बी एस शिव कुमार और तिरुवंतपुरम डीडीसी अध्यक्ष पोलेडो रवि और अन्य कार्यकर्ताओं सहित पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं के साथ कलेक्ट्रेट पहुंचकर नॉमिनेशन किया। सुप्रीम कोर्ट ने अजित पवार के नेतृत्व वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से उसके आदेश के अनुपालन में जारी किए गए समाचार पत्रों के विज्ञापन का विवरण प्रस्तुत करने को कहा है, जिसमें गुट को इस अस्वीकरण के साथ सभी प्रचार चलाने का निर्देश दिया गया था कि उसे घड़ी चिन्ह का आवंटन न्यायालय में विचाराधीन है। लोकसभा चुनाव को लेकर पार्टियों के साथ साथ चुनाव आयोग की तैयारियां भी शुरू हो गई है, जहां चुनाव आयोग ने आज लोकसभा चुनाव से पहले सीमाओं पर सुरक्षा का आकलन करने के लिए शीर्ष अधिकारियों और सीमाओं की सुरक्षा करने वाली केंद्रीय एजेंसियों के साथ बैठक की। इस बैठक के दौरान आगामी लोकसभा और विधानसभा चुनाव में कानून व्यवस्था की स्थिति और सीमा पर सतर्कता की समीक्षा की गई। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आज केरल की वायनाड सीट से नामांकन दाखिल किया। इससे पहले उन्होंने अपनी बहन प्रियंका गांधी के साथ 1 घंटे तक रोड शो किया। इस दौरान राहुल ने क्षेत्र की जनता से कहा कि आपका सांसद होना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। गृह मंत्रालय ने कानून उल्लंघन को लेकर एनजीओ पर लिया एक्शन, 5 गैर सरकारी संगठनों का एफसीआरए किया रद्द। खबर है कि विदेशी अंशदान विनियम अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के कथित उल्लंघन के लिए 5 गैर सरकारी संगठनों का पंजीकरण रद्द किया गया है। शराब नीति मामले में आप नेता संजय सिंह को 6 महीने बाद जमानत दे दी गई है। इस मामले से जुड़े दस्तावेज पर ईडी के वकीलों के नाम में भाजपा नेता और नई दिल्ली संसदीय क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार बौसरी स्वराज का नाम ईडी के वकीलों की लिस्ट में आने के बाद अब इस पर विवाद हो रहा है। हालांकि केंद्रीय जांच एजेंसी के वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट में यह साफ कर दिया कि उनका नाम गलती से इस लिस्ट में जोड़ा गया है। प्रवर्तन निदेशालय ने कहा कि बौसरी स्वराज का नाम अनजाने में हुई गलती के कारण लिस्ट में जुड़ गया। दोस्तों, आगे की खबर पर चलने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अब तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज इसे अभी लाइक कर दें। वीडियो पर कमेंट कर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें, साथ ही साथ इसे शेयर भी कर दें। आपके ऐसा करने से हमारा और हमारी टीम का हौसला और बुलंद होता है और हम रोजाना इसी समय पर आप लोगों के लिए दिन भर की बड़ी खबरें लाते रहते हैं। केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर यूएस और यूएन के बयान पर विदेश मंत्री एस जयशंकर की 2 टूक, बोले किसी भी देश को दूसरों के आंतरिक मामले पर राजनीतिक बयान देने से बचना चाहिए। अगर कोई विदेशी देश भारत की आंतरिक राजनीति पर टिप्पणी करता है तो उसे करारा जवाब मिलेगा। केंद्र सरकार ने कलकत्ता उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश अभिजीत गंगोपाध्याय, पूर्व टीएमसी सांसद अर्जुन सिंह, भाजपा जिला महासचिव अभिजीत वर्मन और कूच बिहार जिले के कार्यकारी सदस्य तापस दास को सुरक्षा प्रदान की है। चारों नेताओं को लोकसभा चुनाव से पहले पश्चिम बंगाल में विभिन्न श्रेणियों में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल प्रदान किया गया है। बता दें कि गंगोपाध्याय और सिंह पिछले महीने भाजपा में शामिल हुए थे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के स्वास्थ्य व वजन को लेकर सियासी डिबेट तेज हो गई है। आज सुबह ही आम आदमी पार्टी के नेता आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दावा किया था कि सीएम केजरीवाल का वजन गिरफ्तारी के बाद तेजी से घट रहा है। इस पर तिहाड़ जेल प्रशासन ने प्रेस रिलीज जारी कर बताया कि सीएम पूरी तरह स्वस्थ है। पंजाब सरकार ने निजी गोदामों को गेहूं क्रय केंद्र घोषित करने का फैसला वापस ले लिया है। बता दें कि किसान संगठनों ने घोषणा की थी कि वे पंजाब में निजी गोदामों को गेहूं क्रय केंद्र घोषित किए जाने के फैसले के खिलाफ रविवार को विरोध प्रदर्शन करेंगे। हरियाणा सरकार को आज हाईकोर्ट ने बड़ी राहत दी, जहां करनाल उपचुनाव को चुनौती देने वाली याचिका कोर्ट ने खारिज कर दी है। चीन द्वारा अरुणाचल प्रदेश में 3 स्थानों के नाम बदलने का मुद्दा लगातार बढ़ता जा रहा है। अब इस मामले पर असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने भारत सरकार से चीन के साथ जैसे को तैसा व्यवहार करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि भारत सरकार को चीन के तिब्बती क्षेत्रों को 60 भौगोलिक नाम देना चाहिए। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में गृह मंत्री अमित शाह ने भरी चुनावी हुंकार, गन्ने के दाम को लेकर विपक्ष पर साधा निशाना, जयंत चौधरी भी रहे मौजूद। पशुपति पारस ने हाजीपुर लोकसभा सीट पर चिराग पासवान को समर्थन देने के सवाल पर अब चुप्पी तोड़ दी है।
पारस ने कहा कि हम एनडीए के सभी दलों का पूरा समर्थन करेंगे, बिहार की 40 की 40 सीटों पर पूरा समर्थन करेंगे, चिराग पासवान की सीट पर भी हमारा समर्थन रहेगा। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता चरणदास महंत ने लोगों से पार्टी उम्मीदवार भूपेश बघेल को वोट देने की अपील करते हुए यह कहकर विवाद खड़ा कर दिया कि मतदाताओं को ऐसे व्यक्ति को चुनने की जरूरत है जो उनके मुद्दे को उठा सके और डंडे से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सिर फोड़ सके। चरणदास महतो के इस बयान के बाद राज्य की सत्ताधारी दल भारतीय जनता पार्टी ने महंत की आलोचना करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ के लोग आगामी लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को इसका सबक सिखाएगी। मध्य प्रदेश की एमपी एमएलए कोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा और पूर्व मंत्री भूपेंद्र सिंह के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया है। कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य विवेक तनखा ने तीनों नेताओं पर 10 करोड़ रुपए का मानहानि का केस दर्ज कराया था, जिस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कोई राहत नहीं दी और 7 मई को तीनों नेताओं को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का आदेश दिया है। कांग्रेस ने हिमाचल प्रदेश की मंडी संसदीय सीट से प्रत्याशी को लेकर तस्वीर साफ कर दी। अब इस सीट से पार्टी ने प्रतिभा सिंह को उम्मीदवार बनाया है। प्रतिभा सिंह मौजूदा समय में कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष है और इसी सीट से सांसद भी है। लोकसभा चुनाव को लेकर उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने आज टिहरी के धनसाली पहुंचकर मुख्य बाजार में जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि मैं यहां पर पीएम मोदी का पैगाम लेकर आया हूं। उत्तराखंड यूसीसी लागू करने वाला पहला राज्य है। साथ ही उन्होंने कहा कि आज केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं का लाभ हर किसी को मिल रहा है। झारखंड की राजधानी रांची में 11 अप्रैल 2023 को भाजपा के सचिवालय मार्च के दौरान पुलिस से हुई झड़प को लेकर दर्ज एफआईआर में नामजद केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, भाजपा विधायक बाबूलाल मरांडी, सांसद संजय सेठ, दीपक प्रकाश, विधायक सीपी सिंह, ढुल्लू महतो सहित भाजपा के 27 नेताओं को झारखंड हाईकोर्ट से राहत मिली है। इन सभी ने रांची के धुरवा थाने में दर्ज एफआईआर को निरस्त करने के लिए याचिका दायर की थी, जिस पर सुनवाई करते हुए झारखंड हाईकोर्ट ने इन सभी पर अगले आदेश तक किसी भी तरह की पीड़क कार्रवाई पर रोक लगा दी है। गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने बनारस रेल इंजन कारखाना का भ्रमण किया। इस दौरान महाप्रबंधक वासुदेव पांडा ने कार्यशाला आगमन पर राज्यपाल का पुष्प गुच्छ भेंट कर अभिनंदन किया। उन्होंने बेरका के न्यू लोको फ्रेम शॉप, ट्रक मशीन शॉप, लोको असेंबली शॉप सहित अन्य विभिन्न शॉप का भ्रमण किया। इस दौरान राज्यपाल ने महिला रेल कर्मियों के कार्य को देखकर आश्चर्य भी व्यक्त किया। राजस्थान में कांग्रेस को फिर लगा बड़ा झटका। पूर्व सांसद शंकर पन्नू सहित कई नेताओं ने छोड़ी पार्टी, भाजपा का थामा दामन। ऑफिस में बैठे बैठे बढ़ गई है शरीर की चर्बी, तो वजन कंट्रोल करने के लिए तरबूज का सेवन जरूर करें। तरबूज काफी फायदेमंद होता है। दरअसल तरबूज में पानी की भारी मात्रा होती है, लगभग इसमें 92% पानी पाई जाती है, जो आपको लंबे समय तक हाइड्रेट रखने के साथ ही आपका पेट भी भरा रखता है। इससे आप ज्यादा खाने से बचते हैं। तरबूज में स्वाभाविक रूप से फैट की मात्रा भी कम पाई जाती है, जो इससे वजन घटाने के लिए एक अच्छा विकल्प साबित करता है। ऐसे में वेट लॉस करने की कोशिश कर रहे लोगों के लिए यह पौष्टिक और पेट भरने वाला नाश्ता साबित होता है। लोकसभा चुनाव को लेकर जम्मू कश्मीर की पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती और एनसी उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला की तकरार आगे बढ़ गई है। पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने लोकसभा चुनाव के लिए सभी सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने की घोषणा की। यह घोषणा उन्होंने उमर अब्दुल्ला के उस बयान के बाद किया, जब उमर ने अपने बयान में कश्मीर में तीनों सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कही थी। लोकसभा चुनाव को लेकर एक्शन में है पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। अब जलपाईगुड़ी में एक चाय दुकान पर लोगों को चाय बनाकर पिलाती दिखी। उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना यूबीटी ने लोकसभा चुनाव के मद्देनजर 4 और उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया, जहां उद्धव ठाकरे ने हटक नगले से सत्यजीत पाटिल, पालघर से भारती कामदी और जलगांव से करण पवार को चुनावी मैदान में उतारा है। वहीं कल्याण सीट का प्रतिनिधित्व मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के बेटे श्रीकांत कर रहे हैं। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने 1113 अप्रेंटिस की भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार भारत सरकार की आधिकारिक अप्रेंटिसशिप पोर्टल apprenticeshipindia.gov.in पर जाकर अपना एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं। आवेदन की आखिरी तारीख 1 मई 2024 निर्धारित की गई है।
जी हाँ दोस्तों, मैं देख पा रहा हूँ कि आप में से अधिकतर लोगों ने इस वीडियो को लाइक किया है, कमेंट कर अपनी प्रतिक्रिया दी है और इसे शेयर भी किया है, लेकिन अभी भी कुछ लोग बाकी है, इसलिए उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज 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 आप भी वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर अपनी प्रतिक्रिया दें और इसे शेयर जरूर कर दें। दोस्तों ये थी दिन भर की बड़ी खबरें। ऐसे ही खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल पर नए हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल के ऑल ऑप्शन को दबा दें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें ताकि देश और दुनिया की तमाम खबरों से आपके साथ साथ आपके जानने वाले भी रह सकें अपडेट।